दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा मंडल जैसा एक और केस सामने आया है, जहां एक महिला ने पति की हत्या कर दी। बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा। बाद में इन टुकड़ों को पास के मैदान में फेंकती रही। मां बेटे की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करीब 6 महीने पहले जून में की गई थी। 1 जून 2022 को रात करीब 12:44 पर दीपक हाथ में एक बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे मां पूनम भी दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें वे टुकड़े फेंकने के लिए जगह की तलाश करने निकले थे। पुलिस को पहली बार शव का टुकड़ा पांडव नगर में ही मिला था। ये बुरी तरह से सड़ चुके थे और इस वजह से इनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया था। इसी बीच श्रद्धा मर्डर केस की जानकारी सामने आने लगी और पुलिस ने इस मामले को उससे जोड़कर जाँच शुरू की, तो पुलिस को जाँच के दौरान पता चला कि बॉडी अंजन दास जो पांडव नगर में ही रहते थे। पुलिस ने बताया कि पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर अंजन की हत्या कर दी थी। पूनम को शक था कि अंजन के अवैध संबंध है। सबसे पहले महिला ने अपने पति को नींद की गोलियां दी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद बेटे के साथ मिलकर बॉडी के टुकड़े किए गए और उन्हें फ्रिज में रख दिया गया। इसके बाद पांडव नगर और आसपास के इलाकों में टुकड़े फेंक दिए गए।